इन सब प्रॉपर्टी अब नहीं खरीदोगे तो फिर बाद में कैसे खरीदोगे जब रेट और इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि रजिस्ट्री कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है। फिर यही चीज़ जो आप 10-20 कम करा रहे हो ना, 50,000 का वेट कर रहे हो बढ़ने कम होने का, वो बाद में आप 1 लाख पे करोगे या 2 लाख पे करोगे एक्स्ट्रा बिना रीज़न के। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर अभी प्रॉपर्टी खरीदनी तो खरीद लो, क्योंकि अब आप भी जानते हो नया कंस्ट्रक्शन ऑर्डर पास होना बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लॉ आ गए हैं नई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो नया बिल्डर तो अब बनने से रहा कोई भी, और नया प्रॉपर्टी वैसी मिलेगी नहीं जो इतना सस्ते कॉस्ट पे अब आपको पे करके बना के आपको प्रोवाइड भी कर दे। तो जो पुरानी है, जो बन चुकी है, जो रेडी टू मूव हो, या फिर जो रीसेल कर रहे हैं अभी लोग कोई बाहर जाने के लिए या फिर कोई रीज़न की वजह से, तो आज अगर आप नहीं खरीदते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। लोन की भी जो प्रोसेस है उसमें बहुत टफनेस आने वाला है, रजिस्ट्री कॉस्ट भी इंक्रीज होने वाला है, तो सारा नुकसान बाद में आपका ही होगा। तो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कैसे आप अपना EMI बना सकते हो, कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है, और साथ ही साथ कितना रजिस्ट्री कॉस्ट आने वाला है। ये सब कुछ की जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आपने अभी खरीदने का प्लान किया है तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये अभी बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रहा है और फ्यूचर में इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एंड अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन एक ही वीडियो के अंदर एक ही चैनल के ऊपर हमेशा मिलते रहेगी। हाउसिंग कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आप शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान किया है तो आप एक चीज़ जान लो, अगर आपने लोन से प्लान किया है तो लोन भी आप बहुत ईजिली तरीके से ले सकते हो। अगर आप हाउसिंग कंसल्टेंट की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो लोन के लिए पूरी मदद हाउसिंग कंसल्टेंट आपको करेगा ही करेगा, चाहे आप SBI से लोन लो, LIC से लोन लो, IDBI से लो, HDFC से लो, हर एक प्रॉपर्टी से हमारी कोशिश रहेगी कि आपको लोन प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट की जो बात आती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि स्टार्ट होती है 6.65 से, जो कि SBI का रेट है। बट आप कभी मत सोचना कि वो रेट आपको मिल जाएगा, बोलने का है सिर्फ वो कि जैसे स्टार्टिंग रेट एट दिस दिस दिस, तो वो 6.65 से स्टार्टिंग रेट है। काफ़ी काज लोगों को मिल भी सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी CV कैसी है, आपकी बैंक से क्या सिस्टम कैसा है, वो सब बहुत ही बैकएंड का काम है। तो उस वजह से आपको मिल भी सकता है, बट इस स्टार्टिंग है, आपको थोड़ा ऊपर मिलती है 6.7, 6.8, 6.9, ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ तक आपको कम से कम मिलता ही मिलता है। कुछ ऐसे बैंक्स है या फिर कुछ ऐसा आपका बैकलॉग होगा जिसके वजह से आपको 7 पॉइंट तक भी जा सकता है, आप 7.1 तक भी आपको मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके CV पे, वो हमारे ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। हमारा काम होता है कि प्रॉपर्टी जब आप पसंद करते हो तो प्रॉपर्टी की सारी पेपर अप टू डेट होने के बाद ही वो बैंक के लिए प्रोसेस करता है। तो जब बैंक अपना प्रोसेसिंग देख लेने के बाद वो आपका जब चेक करता है डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि आपने अगर इससे पिछला लोन लिया है तो वो कैसा, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसके डिपेंड पे वो लोन एक तो आपको देता भी है और साथ ही साथ आपका वो चेक भी कर लेता है कि आप किस दर में आने वाले हो, वो आपको वहीं से गाइड हो जाएगा लोन सेंक्शन होने के, तभी वो पता चलता है, पहले वो पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग रेट मैंने आपको बता दी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी देने वाला हूँ कि लोन जो भी प्रॉपर्टीज आप खरीद रहे हो तो उस पर आपको किस बेस पे मिलता है। अगर आप 30 लाख से अंदर अंदर का लोन खरीद रहे हो, 30 लाख के अंदर अंदर का आप लोन लेते हो, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का 90% तक लोन ले सकते हो। बट यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप ITR भरते हो कि नहीं, अगर आप नौकरी में हैं तो फॉर्म 16 आपका 3 साल का है कि नहीं, ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको लोन प्रोवाइड करेगा वो 90% का। वहाँ पे भी एक और केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत जल्दी मिल जाता है 90% वाला सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा रूल आता है, बट वहाँ भी चांसेस है कि कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे मिल जाता है, बट बिजनेसमैन वाले तो बहुत ही रेयर ही है जिनको ये सब मिल जाता है, क्योंकि उनको फिर बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, ITR दिखाना पड़ता है, फिर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका GST नंबर, फिर लाइसेंस, बहुत सारा केसेस वहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, तो 90% तक लोन, बहुत लोग जानकारी लेना चाहते थे कि कितना तक लोन मिलता है, तो 90% ऑन टोटल अमाउंट जो आप तय करते हो वहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको लोन इजीली मिल सकता है। और वहाँ पे भी गवर्नमेंट रेट भी वैल्यू करता है, क्योंकि गवर्नमेंट रेट, पहले तो बैंक आपका रेट जो लगाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी का रेट पे 90% आपको मिलता है, ये याद रखिएगा, आपके रेट से नहीं, किसी के रेट से नहीं, गवर्नमेंट जो रेट लगाएगा, बैंक जाकर के लीगल जब चेक करता है, फिर वैल्यूएशन लगाता है, उस वैल्यूएशन में जो रेट आपका प्रॉपर्टी का आता है उसका 90% तक लोन आपको प्रोवाइड हो सकता है, अगर 30 से अंदर, अगर 30 से ऊपर है तो फिर क्या, क्योंकि बहुत लोग उससे महंगा प्रॉपर्टी खरीद, जाहिर सी बात है कि 3 BHK का प्रॉपर्टी अगर देख रहे हो तो 30 से ऊपर का लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो महंगा आता है।
तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 80% तक लोन। तो वहाँ के लिए आपको कम से कम 20% आपको हाथ में रख के चलना पड़ेगा डाउन पेमेंट करने के लिए। तो ये जो डाउन पेमेंट का जो कहानी है ना, वो यहीं से बनती है। डाउन पेमेंट आपको क्या करना है, जो अमाउंट आपको बैंक लोन नहीं दे सकता वो अमाउंट आपको डाउन पेमेंट करना है, वही अमाउंट आपको एग्रीमेंट में दिखाना है। तो ये बात आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि 30 लाख से ऊपर आपको 20% तक डाउन पेमेंट करना है, 30 लाख से अंदर आपको 10% तक डाउन पेमेंट करना है। तो ये बात हो सकता है कि आपको क्लियर हो गया हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी हाउसिंग आपको प्रोवाइड करता है तो लोन भी आपको जरूर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बताने वाला हूँ रजिस्ट्री कॉस्ट के बारे में, जो कि बहुत अटकलें आती है, लोग को बहुत कन्फ्यूजन है। मैं आपको बताने वाला हूँ 8% रजिस्ट्री कॉस्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइएगा तो यही रेट आपको बोला जाएगा, 8% ऑन टोटल गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका जो गवर्नमेंट वैल्यू उस एरिया का है उसको देखते हुए फिर लैंड की भी वैल्यूएशन होती है। याद रखना, अगर आप फ्लैट भी खरीद रहे हो तो फ्लैट में भी अब लैंड की भी रजिस्ट्री होती है, इंक्लूडिंग कार पार्किंग की भी होती है। तो उन सब को लेकर के 8% आपका चार्ज लगता है। बहुत सारे 8.1 भी ले सकते हैं, वो वैरी करता है। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप अपने पसंद से इसे खरीद सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं एक और जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज होने वाली है और कौन सी प्रॉपर्टी की रेट आपको खरीदनी चाहिए इस रेट के अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी मेरे पास प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में है, वो भी 2 BHK का है और लोन भी है उसमें SBI से। साथ ही साथ वो ट्रांसफ़र हो गया है, एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय का है और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है। सिर्फ 4 साल पुराना फ्लैट है और आपको 20 लाख रुपए में मिल जा रहा है, वो भी वनस्थली कॉलोनी में, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे इसको। तो बहुत ही अच्छा फ्लैट है मेरे हिसाब से, तो ये एक बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर ये रेट और ऊपर जाएगा और अभी भी गवर्नमेंट रेट ऊपर ही जाएगा उसका। तो ये आप खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में अगर आपको लेनी हो तो। इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज और बताने वाला हूँ जो कि आपको मिल जाएगा सस्ता प्राइस पे, जो है 30 लाख रुपए में। अगर आपको 3 BHK पसंद है तो आपको 3 BHK का बिग बाजार के पास फर्निश्ड फ्लैट, यानी कि वर्क, आपको इंटीरियर वर्क, आपको फॉल सीलिंग, आपको कवर्ड्स, आपको ग्रिल वगैरह, टाइल्स वगैरह, ये सब कंप्लीट फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाएगा, वो भी आपको 30 लाख में मिल रहा है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद रहे हो, या फिर आपको अभी नया धैया लोकेशन के अंदर, नया मतलब धैया अभी हीरापुर से भी ऊपर है भाई साहब, आप सोच रहे हो अगर हीरापुर स्टील गेट सराइडेला, तो धैया अब कुछ और ही बन गया है। अगर आप धैया जाते हो तो आप देखना, प्रभातम के बाद से वो लोकेशन ही पूरा बदल चुका है, वो सब कुछ अब उधर ही हो गया है, रोड चौड़ा से लेकर के कनेक्टिविटी फैसिलिटी सब अब धैया में ही है। तो वहाँ का रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला, बहुत जल्द और ऊपर जाएगा, तो सर्कल रेट भी इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसलिए अगर अभी सस्ते में मिल रहा है तो आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे भी न्यू प्रॉपर्टी मेरे पास 2 BHK की अवेलेबल है, जो कि 26 लाख का है और 27 लाख का है। उसकी भी डिटेल अगर चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सब प्रॉपर्टी आपके लिए अभी इनिशियली स्टेज पे खरीदने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप प्लीज़ खरीदें ये सब प्रॉपर्टी, और बहुत ही सस्ते कॉस्ट में मिल रहा है। अगर आपका और भी बजट कम है और अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए तो कोयला नगर जाइए, यानी कि आप वहाँ जा सकते हो कुसुम विहार लोकेशन में। फेज़ 2 पे भी प्रॉपर्टी सेल पे है 30 लाख रुपए में, बहुत अच्छा फर्नीचर वर्क के साथ, इंटीरियर वर्क के साथ, वहाँ पे 30 लाख में 3 BHK मिल रहा है। तो इन सब प्रॉपर्टी अब नहीं खरीदोगे तो फिर बाद में कैसे खरीदोगे जब रेट और इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि रजिस्ट्री कॉस्ट इंक्रीज़ होने वाला है। फिर यही चीज़ जो आप 10-20 कम करा रहे हो ना, 50,000 का वेट कर रहे हो बढ़ने कम होने का, वो बाद में आप 1 लाख पे करोगे या 2 लाख पे करोगे एक्स्ट्रा बिना रीज़न के। तो मैं वही कर रहा हूँ, अगर अभी प्रॉपर्टी खरीदनी तो खरीद लो, क्योंकि अब आप भी जानते हो नया कंस्ट्रक्शन ऑर्डर पास होना बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लॉ आ गए हैं नई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो नया बिल्डर तो अब बनने से रहा कोई भी, और नया प्रॉपर्टी वैसी मिलेगी नहीं जो इतना सस्ते कॉस्ट पे अब आपको पे करके बना के आपको प्रोवाइड भी कर दे। तो जो पुरानी है, जो बन चुकी है, जो रेडी टू मूव हो, या फिर जो रीसेल कर रहे हैं अभी लोग कोई बाहर जाने के लिए या फिर कोई रीज़न की वजह से, तो आज अगर आप नहीं खरीदते हो तो बाद में बहुत पछताओगे, और लोन की भी जो प्रोसेस है उसमें बहुत टफनेस आने वाला है, रजिस्ट्री कॉस्ट भी इंक्रीज़ होने वाला है, तो सारा नुकसान बाद में आपका ही होगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो तो प्लीज़ अभी खरीदें, ये एक बहुत ही प्राइम टाइम है। अगस्त से पहले तक आप सब कुछ सेटलमेंट कर ले, सीधा शिफ्ट होए। कब तक रेंट भरोगे, वो रेंट भर के भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, फिर इन सबको बढ़ा के भी एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, अल्टीमेटली आपको लॉस ही मिलने वाला है। अगर आप प्लान करें तो बस खरीद लो, वेट मत करो, डिले मत करो, प्रॉपर्टी बस देखते मत रहो, बस उसे खरीदो भी, तभी आपको वो फ़ायदा दिलाएगा, वरना लॉस ही रहोगे, हमेशा लॉस में ही जाओगे। बस मैं यही कह रहा हूँ, रजिस्ट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, फिर वो लॉस ही लॉस रहेगा आपके लिए। तो प्रॉपर्टी खरीदें, हाउसिंग को सब्सक्राइब करें, जो भी पसंद आया आप कॉन्टैक्ट करें, जो भी ऑप्शन आपको मिलना है वो हाउसिंग कंसल्टेंट जरूर देगा। सारे ऑप्शन धनबाद में हमारे पास जितना अवेलेबल है वो कोई नहीं दे सकता,
तो बस आपको बस क्या करना है, कांटेक्ट करना है, वीडियो देखना है, पसंद करना है उनमें से, ऑप्शंस में से, और सीधा विजिट करना है, फाइनल करना है। उसमें भी आपको लोन फैसिलिटीज़ हम करा देंगे, आपको रजिस्ट्री कॉस्ट रजिस्ट्री में भी हम मदद कर देंगे, आपको एग्रीमेंट में भी हम मदद कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है ना, बस आपको पसंद करना है और आपको खरीदना है। तो आप तैयार हो जाइए लेने के लिए, और हाउसिंग को सब्सक्राइब करें, कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।